हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं जो अगले कलाकार हैं गगनदास टैगोर। ठीक है दोस्तों, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो भी MCQs हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाइए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, तुरंत जाइए, और जिससे कि नए नए जो वीडियो आते हैं दोस्तों, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गगेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गगेंद्रनाथ टैगोर क्या थे दोस्तों? एक समकालीन कलाकार के अंतर्गत आए। ठीक है, समकालीन कलाकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यह क्या थे दोस्तों? एक व्यंग व्यंग कलाकार थे, कलाकार थे। ठीक है, व्यंग कलाकार थे। ठीक है, और इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, 17 सितंबर 1867 ईस्वी को कोलकाता के जोरा सांको में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट, गगेंद्रनाथ टैगोर चित्रकला पर घनवाद का प्रभाव था। ठीक है, गगेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला जो थी दोस्तों, उस पर घनवाद का प्रभाव था। ठीक है, घनवाद मतलब दोस्तों, वो जो चित्र बनाते थे उसमें घन और शंकु के आकार का दृश्य उसमें जरूर सम्मिलित करते थे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, कौन थे दोस्तों? गगेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, फिर भी बंगाल शैली से दूर है, यह अलग ही अपनी शैली में ये चित्रकारी करते थे। बंगाल शैली से इन्होंने वास पद्धति को नहीं अपनाया था। ठीक है दोस्तों, कुछ ही इनके जो चित्र मिलते हैं वास पद्धति के मिलते हैं, उसके बाद इन्होंने पाश्चात्य शैली को अपनाया। ठीक है, तैल रंग में ये अत्यंत ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते थे, चित्रण करते थे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, 38 वर्ष की आयु पर ही उन्होंने चित्रकला का प्रारंभ किया था, इसके पहले ये चित्रकारी नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है, 1910 ईस्वी से 1915 ईस्वी के बीच स्याह से चित्रण किया। इन्होंने क्या किया था? 1910 ईस्वी से 1915 ईस्वी के बीच किससे चित्रण किया था? स्याही से। ठीक है, स्याही से चित्रण किया। 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक जो है जीवन स्मृति, कौन सी दोस्तों? जीवन स्मृति का चित्रण इन्होंने किया, कौन किया? गगेंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1907 ईस्वी में ईवी हेवल गगेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक कला संस्था की आधारशिला रखी। कब दोस्तों? 1907 ईस्वी में, इसके साथ ईवी हेवल के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, तथा साथ ही भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट भी रहे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट और भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, गगेंद्रनाथ ने अपने चित्रों में टेम्परा वास तैल रंग का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तीनों माध्यम में इन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, ज़्यादातर ये तैल माध्यम। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला पॉइंट जो कह रहा है हमारा, वास तकनीकी से चैत्य महाप्रभु का चित्र चरित्र माला का चित्रण किया। ठीक है दोस्तों, किसका? चैतन्य महाप्रभु के चरित्र माला का। ठीक है, जिसमें कुल 21 चित्र चैतन्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक संबंधित है। ठीक है, किस माध्यम में दोस्तों किए थे? वास पद्धति माध्यम में। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। इनके चित्रों पर दो जापानी कलाकार या चित्रकार ताइकान हिनसंदा ही संदा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, किसका किसका? जापानी कलाकार ताइकान ही संदा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट, गगनेंद्रनाथ पोर्ट्रेट अंकन में भी सिद्धस्त थे। ठीक है,
और इन्होंने काफ़ी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए जिनमें स्वयं का पोर्ट्रेट भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्टेला क्रेमिस ने गगेंद्रनाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। किसने की दोस्तों? स्टेला क्रेमिस ने, ठीक है, पेरिस के कलाकारों के साथ इनकी तुलना की है। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई थी। ठीक, कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। ठीक है, अब दोस्तों हम इनके जो भी महत्वपूर्ण प्रमुख जो चित्र हैं उनको देख लेते हैं और फिर इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनेगा उसको देख लेंगे। दोस्तों एक पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ, कैनवास पर तैल रंग में प्रणय दूत नामक चित्र की रचना की। किसने की? गगेंद्रनाथ टैगोर ने। तैल रंग में उन्होंने प्रणय दूत की रचना की थी। ठीक, घनवादी मंदिर का चित्र किस माध्यम में बना था दोस्तों? वास और टेम्परा माध्यम में ये बनाया गया था। ठीक, बाल रूप डांस नामक चित्र को कालीघाट शैली में चित्रित किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो भी एक चित्र इनका था बाल रूप डांस, इसका इन्होंने कालीघाट शैली में चित्रण किया था। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, साधु और पुष्पुण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष, क्या? पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष नामक चित्र दोस्तों जल रंग में बनाया गया। ठीक है, जो कहाँ पर रखे गए हैं? इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित है। ठीक है, इन्होंने बंगाल में प्रचलित वास वास चित्रण से हटकर पाश्चात्य पद्धति की तैल चित्रण में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, किसमें कार्य किया? तैल चित्रण में कार्य किया। अब देख लेते हैं हमारा जो भी इम्पोर्टेंट चित्र है। ठीक, पहला जो इनका प्रमुख चित्र है दोस्तों, बाल रूम डांस। ठीक है, दाढ़ी सहित नारी चेहरा, स्वप्नलोक, मेघदूत, सीढ़ियों पर भेंट, फेयरी प्रिंसेस, टेम्पल क्यूबिसिक। ठीक है, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, वॉल ऑफ इन द हिमालय। ठीक है, रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, अर्जुन व चित्रांगदा, शिक्षक वर्षा में घर को। ठीक, रात्रि में शहर, बंदी राजकुमारी। ठीक है दोस्तों, नृत्य करती बालिका, घनवादी मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रणय दूत भी इम्पोर्टेंट है, साधु, पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष। ठीक है, ये सब इनके क्या हैं दोस्तों? प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मैं दोस्तों देख लेते हैं। 1922 में डॉक्टर स्टेला क्रेमिस ने सबसे पहले घनवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? स्टेला क्रेमिस ने। किसको? गगेंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। ठीक, जो उनके प्रमुख चित्र हैं, क्योंकि चित्रों से दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे 2021 का पेपर, अगर नहीं देखे हैं तो आपको हम उस पर भी एक वीडियो बना करके डालेंगे। इसके पहले का जो 1999 का है और 2001 का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम उसका लिंक दे देंगे, या आई बटन जो इधर आपको दाहिनी तरफ दिखेगा उस पर आप क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके प्रमुख चित्र को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बाल रूम डांस, दाढ़ी सहित नारी चेहरा, स्वप्नलोक, मेघदूत, सीढ़ियों पर भेंट, फेरी प्रिंसेस, टेम्पल क्यूबिसिक, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, वाटरफॉल इन द हिमालय, रात्रि में दुर्गा जुलूस, दुर्गा पूजा का जुलूस, अर्जुन व चित्रांगदा, शिक्षक वर्षा में घर को, रात्रि में शहर, बंदी राजकुमारी, नृत्य करती बालिका, घनवादी मंदिर, प्रणय दूत, साधु, पूर्ण पुष्पित गुलमोहर का वृक्ष। ठीक है, ये थे इनके प्रमुख चित्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले जो कलाकार हैं उनको लेकर के आएंगे। और अभी इनका दोस्तों देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको देख लेते हैं। दोस्तों अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप भी सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़रूर दिया करो यार। ठीक है, इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? गगेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था?
तो गगनेंद्रनाथ जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1867 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1867 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम घनवादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम घनवादी कलाकार कौन कहलाता है? तो वो गगनेंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले घनवादी कलाकार की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों किसने दी थी, अभी हमने पढ़ा था, तो वो कौन दिया था? डॉक्टर स्टेला क्रेम रिस ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, बाल रूम डांस नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया दोस्तों? तो ये बनाया था किसने? गगेंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल का व्यंग्यकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये एक व्यंग्यकार, व्यंग चित्रकार हैं, तो कौन है? वह हैं गगेंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा, गगेंद्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के किस वर्ष चित्रांकन करना शुरू किया था? तो दोस्तों हमने भी पढ़ा, यह 38 वर्ष की आयु से इन्होंने चित्रण प्रारंभ किया, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, बाल रूम डांस नामक चित्र गगेंद्रनाथ टैगोर ने किस शैली में बनाया? तो दोस्तों जो बाल रूम डांस उन्होंने बनाया था वो बनाया था कालीघाट की शैली में, ठीक है। किस शैली में? कालीघाट शैली में, ठीक है। गगेंद्रनाथ टैगोर ने साधु नामक चित्र किस माध्यम में बनाया था दोस्तों? किस माध्यम में बनाया था? तो उन्होंने जो बनाया था तो ये जल माध्यम में बनाया था, जल रंग माध्यम में साधु नामक चित्र उन्होंने बनाया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अर्जुन व चित्रांगदा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो दोस्तों यह बनाया था गगेंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, गगेंद्रनाथ टैगोर जी का मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1938 में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, वो बताना है, इनकी जो पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष नामक जो चित्र है जो जल रंग माध्यम में बनाया गया है दोस्तों, वह कहाँ पर रखा गया है, किस म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम अगले जो कलाकार हैं उनको लेकर के आएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहिए, हमारा पूरा वीडियो देखिए, विश्वास दिलाता हूँ एग्ज़ाम तक हम इन सभी कलाकार को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा प्रयास है दोस्तों, ठीक है। और मेरा जो सुपर फास्ट वाली जो सीरीज वो तो चल ही रही है, ठीक है, उसको तो मैं ख़त्म कर ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।